सरकार नहीं चाहती है कि ये राजद्रोह कानून पर किसी भी तरह का अंकुश लगाया जाए, लेकिन साथ साथ क्या लगता है इसका राजनीतिक मायने क्या है, ये भी जरा समझाइए। राजीव जी, भारतीय पार्टी का इस कानून के बारे में क्या रवैया है, यह 2019 में ही स्पष्ट हो गया था जब चुनाव के दौरान कांग्रेस ने यह वायदा किया कि वह इस कानून को रद्द करेगी अगर सत्ता में आती है तो। सम्मानित प्रधानमंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस के ऊपर यह आरोप लगाया था कि यह कांग्रेस पार्टी राष्ट्र को तोड़ने वाली शक्तियों के साथ जुड़ मिली हुई है, यह राष्ट्रद्रोहियों के साथ मिली हुई है या उन ताकतों के साथ मिली हुई है जो देश के अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के पूरे नेतृत्व ने इस राष्ट्रद्रोह कानून के प्रति अपना रवैया साफ कर दिया था। कांग्रेस को तो पता चल गया था, पोटा कानून लाने वाली यूपीए सरकार थी, आप याद कीजिए, और उसमें आप ऐतिहासिक तथ्य है कि उस कानून के तहत दाखिल आरोप पत्रों में गिरफ्तार लोगों के खिलाफ केवल 1% लोग दोषी पाए गए थे, बाद में वो कानून रद्द कर दिया गया। राष्ट्रद्रोह का कानून, राज इस तरह का कानून कभी भी किसी भी सभ्य समाज के लिए वाजिब नहीं है। आप ये देखिए ना कि आपके पास आंकड़े हैं, 2014 में 58 लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, 16 चार्जशीट दाखिल की गई थी और एक आदमी दोषी पाया गया। 2015 में ये संख्या बढ़ जाती है, 73 गिरफ्तारियां होती हैं, 13 चार्जशीट दाखिल होती है और किसी को भी दोषी पाया नहीं जाता। 2016 में आप आइए, 48 गिरफ्तारियां होती हैं, 26 चार्जशीट दाखिल होती है और फिर केवल एक आदमी दोषी पाया जाता है। 2017 में यह संख्या और कितनी चौगुनी पांचगुनी हो जाती है, 228 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, 160 चार्जशीट दाखिल किए जाते हैं और केवल 4 आदमी दोषी पाए जाते हैं। 2018 में गिरफ्तारियों की संख्या घट करके 56 हो जाती है, 46 चार्जशीट दाखिल किए जाते हैं और केवल 2 आदमी दोषी पाए जाते हैं। 2019 में 96 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, 76 चार्जशीट दाखिल किए जाते हैं और केवल 2 दोषी पाए जाते हैं। यह कानून है, इस कानून को लागू करके, सभी समाज में लागू करके आप क्या, केवल सिवाय डर पैदा करने के कि आप अदालतों में नहीं जा सकते, जमानत की याचिका आपकी सुनी नहीं जाएगी क्योंकि कानून इसको अनुमति नहीं देता। सवाल है कि अगर और इस सरकार की मनसा अगर साफ होती, मैं खुद कह रहा हूं अभी भी कि आप ये देखिएगा, इस कानून को रद्द करने के बारे में कभी भी सरकार नहीं कहेगी। यह मुझे इस बात की आशंका है कि जब यह मामला बढ़ा है महाराष्ट्र में, जब जो सभ्या है जिनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की बात आई, तो यह राज्यों के अधिकार को कम करेंगे। संशोधन का प्रस्ताव ये लेकर के आएंगे कि राज्य सरकारें इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज नहीं कर पाएंगे। इन्होंने जो एक सुझाव दिया है आप अटॉर्नी जनरल साहब ने कि राष्ट्र इस धारा के में पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी की सहमति या संस्तुति के बाद की जाएगी। पुलिस अधीक्षकों की स्थिति क्या है, या स्पष्ट नहीं है क्या? बलिया में जिस तरीके से 3 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया था, क्या उसको किसी थानेदार ने गिरफ्तार कर लिया और इस गिरफ्तारी को वहां के पुलिस प्रमुख ने किस तरीके से तर्कसंगत साबित करने की कोशिश की, यह सबके सामने है। अब आज की तारीख में अगर कोई ये कहता है कि पुलिस अधीक्षक एक स्वतंत्र संस्था रह गई है, तो वह किसी सपने में जी रहा है। किसी स्तर का अधिकारी हो, वह राज्य सरकारों के निर्देश और करे भी क्यों नहीं। आप गुजरात के पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को हाथ से देख लीजिए, विजय शंकर सिंह जी को पता है कि कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं। भट्ट साहब की, कोई शर्मा जी की क्या दुर्गति है, राज्य सरकारें चाह लेती है तो। और आप देखिए ना कि आप ये राजीव देखिए कि ये जो आपराधिक मुकदमे होते हैं, आपराधिक मुकदमे सरकार के द्वारा व्यक्ति के खिलाफ किए जाते हैं। एक व्यक्ति सरकार से कैसे लड़ सकता है, क्या संभव है क्या? आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा हो, आपके खिलाफ कोई सिविल सूट हो, आपके खिलाफ कोई और मुकदमा हो, तो आप चलिए तब भी कोई बड़ा वकील कर लेगा, छोटा वकील कर लेगा, लड़ तो लेगा, लेकिन सरकार के खिलाफ आप कैसे लड़ सकते हैं और भी सरकार आपको राष्ट्रद्रोही घोषित कर दे। तो एक अनलेवल प्ले ग्राउंड है जहां पर कि एक सामान्य नागरिक को सरकार से लड़ने की स्थिति पैदा कर दी जाती है। तो किसी भी सभ्य समाज में, 70 साल के लोकतांत्रिक देश में इस कानून की बात करते हैं आप, कहीं है क्या कोई भी विकसित देश इसको चाहता है, इस कानून को लागू करना? लेकिन आप चले जा रहे हैं। और दुर्भाग्य है, मैं तो कई बार मैं सोचता हूं कि जो हमारे
स्वतंत्रता संग्राम के हमारे जो नायक रहे हैं सत्ता में आने के बाद, उन लोगों ने इस कानून को रद्द करने के लिए क्यों नहीं सोचा कि यह 70 सालों तक हम भारत का सामान्य नागरिक इस कष्ट को झेल रहा है और सरकार के हाथों में उत्पीड़ित हो रहा है। दुर्भाग्य आप देखिए ना कि 2014 से लेकर के और अब कोई सरकार ऐसी नहीं है जिससे इस कानून का दुरुपयोग न किया हो, किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, भारतीय जनता पार्टी की संगठन गठबंधन की सरकारें जो राज्यों में है बेतहाशा इस कानून का दुरुपयोग कर रही है। असम में क्या स्थिति हो रही है, हमारे उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है, और आपका रवैया क्या है? रवैया की स्थिति यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोई एक शब्द बोल दे तो आप उसको गिरफ्तार कर लेंगे और उसको राष्ट्रद्रोह के कानून के खिलाफ बंद कर देंगे कि कहीं वो कोई उसको राष्ट्रद्रोह के खिलाफ गिरफ्तारी की मंशा केवल एक है राजीव जी कि आपको कोई कानूनी रिलीफ ना मिलने पावे, आप न्यायालय के शरण में ना चले जाए। सरकारों की मंशा कतई ये नहीं है कि आप राष्ट्रद्रोही गतिविधियां रुक जाए, सरकार के खिलाफ देश के खिलाफ कार्रवाई करने वाले लोगों की गतिविधियां रुक जाए। सरकार की आलोचना करने वाले जो लोग हैं, सरकार से असहमत जो लोग हैं, सरकार की नीतियों के जो आलोचक हैं, उनके मुंह बंद किए जाए, क्या कोई भी सभ्य समाज इसको स्वीकार कर सकता है? दुर्भाग्य क्या है कि जब यही राजनीतिक दल विपक्ष में होती हैं तो इनका रवैया दूसरा होता है, जब ये सरकार में आ जाती हैं तो इनका रवैया दूसरा हो जाता है, इनका दृष्टिकोण ही बदल जाता है। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज का लिया निर्णय लिया कि न तो आगे, ये तो एक तरह से आप मानिए कि सरकार का यह अंतरिम आदेश हम लोग कानूनी भाषा में कर रहे हैं, लेकिन एक तरह से सरकार सर्वोच्च न्यायालय ने तो मान लिया कि असंवैधानिक है। जिस कानून के तहत आप कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, जिस कानून के तहत दर्ज मुकदमों की उस कानून के तहत सुनवाई नहीं हो सकती, जिस कानून के तहत आप जो गिरफ्तार लोग हैं उनको उनके ऊपर यह लागू नहीं होगा, अब क्या चाहिए? यानी कि हर तरह से यह कानून नल एंड वॉइड है। तो यह केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से भी हो पाया है, और सरकार हर जगह झूठ बोलती रही है और गुमराह करने की कोशिश करती रही है, और सरकार के हर वक्तव्य से सरकार की मंशा आपको नजर आती है। राजीव जी सर, आप देखिएगा ये परिणाम, या मुझे तो ये लगता है कि इंतजार करेंगे कि जो आज के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है हमारे सीजीआई, ये रिटायर हो जाए तब तक इस मामले को लटका के रखा जाए, तब ये लौट करके आएंगे न्यायालय में विचार करने के लिए। ये जितने हथकंडे हो सकते हैं इस कानून को असंवैधानिक सर्वोच्च न्यायालय से असंवैधानिक घोषित किए जाने को रोकने के लिए यह सरकार उन सभी हथकंडों को अपनाएगी, मेरा यह अंदेशा है। मैं गलत भी हो सकता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं गलत साबित हूं, लेकिन आज जो न्यायालय का यह निर्णय है यह निश्चित रूप से भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय गणराज्य के लिए और भारत के आम नागरिक के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जी